मसीह खुदाउन में आपकी सलामती हो प्रोग्राम जो नेशनल न्यूज़ नामा पर आप देख रहे थे थोड़ा अरसा पहले भी यूहानाबाद के मेन कब्रिस्तान के बारे में तो ये एक माह पहले नेशनल न्यूज़ नामा की टीम यहाँ पर आई और नेशनल न्यूज़ नामा के डायरेक्टर जो कि पाकिस्तान से हैं और डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर साहब उनकी आवाज़ पर यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया एक माह से ज़्यादा ये टाइम हो चुका है और ख़ास करके आप लोगों की जो आवाज़ है वो इस प्लेटफार्म से पहुंची ताकि इस मेन कब्रिस्तान में जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे बहुत ज़्यादा घास थी लोगों के लिए यहाँ पे अपने अजीज़ों को दफनाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और नेशनल न्यूज़ नामा के ही प्लेटफार्म से ये आवाज़ पूरे योहानाबाद में पहुंची और योहानाबाद की बहुत सी जानी मानी जो शख्सियात हैं उन्होंने अपने किरदार को अदा करने के लिए अपने आप को पेश किया ताकि युहानाबाद के इस मेन कब्रिस्तान की जो सफ़ाई है उसको वो सर अंजाम दे सकें तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे यूहानाबाद के जो रहायशी है, है। हैं वो मौजूद हैं यौहानाबाद की जानी मानी शख्सियात मौजूद हैं जिसमें से झफ़र वारी साहब हैं इसके अलावा राजा वाल्टर साहब हैं असफ जोसफ़ साहब हैं और सबका जो चेयरमैन है योहानाबाद के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कब्रिस्तान की सफाई में अपना हिस्सा अदा किया और हम उन सब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नेशनल न्यूज़ नामा के प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और आज आप यहाँ पे कब्रस्तान की हालत देख रहे हैं दरख्तों की कटाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा घास काटा जा चुका है इसके अलावा जो बाकी मानदा सफाई है वो भी यहाँ पे वो करने वाली बाकी है और वो ज़रूर करेंगे तो आए नाजरन हम उन तमाम लोगों से बातचीत करें जिन्होंने कब्रिस्तान की सफाई में अपना रोल अदा किया उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया तो नाजरीन बात कर रहे थे हम उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश की है और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली दफा यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को पेश किया तो आए हम उन सबसे बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो नहीं आ सके हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो है वो अपना रोल अदा किया तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि जब हम एक माह पहले आए थे तो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा था बहुत सारी मशहूर शख्सियात का तो सबसे पहले हम बात करेंगे योहानाबाद के चेयरमैन साहब से और हम उनसे पूछेंगे कि सर आप हमें बताएं कि कब्रिस्तान की एक माह पहले जो हालत थी वो कुछ फ़र्क थी लेकिन आज हम हालत देख रहे हैं कुछ फ़र्क है इसके बारे में आप क्या कहेंगे बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज़ का डॉक्टर सागर फ्रांसिस साहब हमेशा ऐसे इशू पर हाथ डालते हैं कि जो हमारा बर्निंग इशू होता है और मुझे खुशी है कि अपना ये योहानाबाद का जो मेन कब्रस्तान है इसका जो हालत थी ये काफ़ी बिगड़ी हुई थी और हमने एज ए चेयरमैन जब हमारी को मत पंजाब को बहाल हुई थी उसके लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी भी बनी थी जिसमें एज ए मैं चेयरमैन था और साथ मेरे एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजम था वो उसका वो कमेटी में शामिल था इसी तरह एक खवीन इस तरह इलाका के मौजी दो तो वो हमारी कमेटी थी जिसमें हमने अपनी तजावीज़ दी थी कि हमारे कब्रस्तान में ये जो इशू हैं यहाँ जो हमारा मेन गेट है इसका इशू है इसी तरह हमारा जो पानी का इशू है वो है इसी तरह जो हमारा जो यहाँ दरख्त हैं ये बहुत बड़े बढ़ गए हैं और साथ का साथ का ये जो झाड़ियाँ हैं जो जहाँ जो अपना कूड़ा क्रिकेट का जो निज़ाम है ये बहुत ही अबतर हो चुका है और उसके लिए हमारी जो डी सी ओ साहब ने कमेटी बनाई थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत वो ख़त्म हो गई और अभी नया सेटअप आ गया और इसी तरह मुझे पहले भी बुलाया गया था लेकिन मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था यहाँ हमारे और दोस्त हैं जैसे यहाँ खासकर हमारे कौंसलर साहब हैं अमर जुबेद कुकू साहब इनको सब पता है कि जो हमारे दोस्त यहाँ काम करते रहे हम उनको भी वेलकम करते हैं कि उन्होंने भी यहाँ आगाज किया काम का और मैं समझता हूँ सबसे पहले जो मोटिवेशन थी वो डॉक्टर सागर साहब और इसी तरह हमारे राजा वाल्टर साहब हैं ये इनका एक विजन था कि इस कब्रस्त को हम दोबारा हाथ बेहतर करें और मुझे इंतहाई यहाँ दोबारा ये जिक्र करना पड़ेगा कि कबिस्तान के लिए हमेशा हमारी जब यून काउंस बहाल थी तो हमने यहाँ जो हमारे खास का जो ठेकेदार थे जो वहाँ से मलबा निकलता था जो मट्टी निकलती थी मैंने उनको ये कहा था कि आप बजाय कहीं और फेंकने के इसको कब्रसा में फेंकें ताकि हम यहाँ चाहते थे कि यमुनाबाद के जो मेन ये कब्रसा इतना खूबसूरत जगह हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है हमारा यमुनाबाद का मेन जो इशू है वो है यहाँ कोई आ, पार्क नहीं है ख़वान बच्चों के लिए बुज़ुर्गों के लिए बहुत हमारे प्रॉब्लम है और उसके लिए मैंने यही सोचा था कि इसके लिए हम साथ ना ये जैसे गारा इनके पीछे हम ट्रैक शुरू करते हैं ट्रैक बनाए

अपना ये नेगेटिव चीज़ें अपना देखनी पड़ती हैं और ख़ासकर कर के लिए और बाद में हमने लोगों को मना किया कि हमने ये मिट्टी इसलिए डाली है कि ताकि हम ये आप देखा होगा कि ये यहाँ काफ़ी ये जगह अपना काफ़ी ये जगह ऐसी ऐसी थी कि जहाँ जब बारिशें होती थी यहाँ गुजरना माहौल हो जाता था हमारे साथ आपको देखा ये हमने गेट अपना ये साथ गवाया था इसी तरह हमने यहाँ लाइटें भी गवाई थी और यहाँ से लाइटें भी ख़ासकर जो लोग होते हैं ना जो नशा करते हैं जो पाउडर वगैरह मिलते हैं वो यहाँ तारे अखाड़ के ले गए हैं यहाँ से हमारी जो लाइटें हैं वो भी ले गए हमारा प्लान तो बहुत बड़ा था लेकिन आपको पता है कि हमारा जो फंडिंग का मसला होता है उसके लिए हम इजमाही कोशिश करते हैं, हम करते हैं कि इसको हम मिलकर काम करें और मुझे अनता आज खुशी हुई है कि राजा वाल्टर साहब ने यहाँ जो मेन या एक मशीन है जो चालीस हज़ार जिसका अमाउंट है वो यहाँ इन्होंने डोनेट किया है कि आप ये कब्रस्तान ये कमेटी कोई भी करें उसके साथ आप यहाँ जो जो कटाई करनी है उसके साथ करें ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये काम है इसी तरह इनका और भी प्लान है कि जहाँ हम जो ट्रैक है जो मेरा पहले विजन था उसको ये भी कह रहे हैं कि दोबारा हम उसको बहाल करें और इसी तरह मैं जैसे हमारे पीटीआई के दोस्त है वो वो भी यहाँ काम करते रहे हैं उन्होंने यहाँ ये शदाई अपना कराई है, अपना कटिंग कराई है मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा मुझे किसी दोस्त ने बुलाया कि आप भी यहाँ किसी एम पी एम एन को भी बुलाया लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कब्रस्तान ये सियासत का गढ़ नहीं है ये हमारा ये हमारा मसला इसके है इसके लिए हमें तमाम तमाम लोगों को हम अपना वो वेलकम कहते हैं हम सब मिलकर यहाँ काम कर कब्रस्तान ऐसी जगह है जहाँ हम सब कुछ भूल कर हम अपने कब्रस्तान के लिए हम अपने अजीजों के लिए जो हमारे यहाँ अजीज दफन है हम उनके लिए ऐसा माहौल साजगार बनाए कि जैसे मैं अपना सोचता था कि जैसे गोरे लोग बच्चे वहां खेलते हैं जो कबरों के साथ कबरों सा, के साथ ऐसा बिहेव हो कि जैसे हम उनके साथ यहाँ खेलने के लिए आते हैं अपने बुजुर्गों के लिए ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए हमारा विजन तो ये है लेकिन यार हमारी कुमत वो खत्म हो गई थी उसके अलावा हमने पहले भी कोशिश की थी हमारे खासकर यहाँ कौंस्टर साहब हैं अमर कक्कू साहब हमेशा ये कब्रस्तान के लिए जब भी देखें ये कब्रस्तान के लिए बहुत ज्यादा ये अपना ये सोचते हैं कि इसके लिए मैंने ये किया अभी मुझे कहते थे यार मैं उधर हूं मैं काम कर रहा हूँ हमारे दूसरे दोस्त भी काम कर रहे हैं तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग जितने भी यबाद के लोग सुन रहे हैं जितने भी मसीह लोग हैं सब ने मिलकर इस अपना कोशिश में कोशिश करनी है जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं कोशिश अपना एम्बुलेंस के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूँ ये सब का काम है किसी एक बंदे का काम नहीं है तो इसमें अच्छी बात है कि हमारे राजा साहब हमारे सदर साहब जो अपना ये मार्केट के वो भी वजा साहब वो भी हमारे साथ हैं इसी तरह और दोस्त हमारे मास्टर साहब सनाला साहब भी हमारे साथ हैं तो सब लोग मिलकर हम इस इसको बेहतर से बेहतर बेहतर करें और अब राजा भाई से बात करेंगे ये बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपकी दो 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 जी अभी अमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं अमर भाई आप हमें बताएं कि यहाँ पे अब कब्रिस्तान की सफाई के लिए हर किसी ने जो है वो अपना हिस्सा जो है वो डाला है और खास करके ये किसी एक का मसला तो नहीं है ये सबका मसला है तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी चेयरमैन साहब ने बात की वो एकदम से मेरे जहन में बात आई कि क्या हम हमेशा फंडिंग पे ही डिपेंड करेंगे या इजमाही तौर पर क्योंकि हम सब युहाबाद के रहायशी हैं हमें मिलकर भी इस काम को जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रखना है थैंक यू जी मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को और नेशनल न्यूज़ वालों को मेरी तरफ से मसीह इस्लाम सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे कब्रस्तान को विजिट किया और आपके इस अच्छे इकतदाम की वजह से एक कब्रस्तान के शुरू में नया घर है वो करामत साहब बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा वाकई कब्रस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जैसे बरसात का मौसम था यहाँ पर के मतलब के गेट नहीं है ना तो ये किसी चर्च की सुपरविजन में था ज़ाहिर है हुकूमतें तो हमेशा मतनाजा होती हैं कोई आती है कोई जाती है तो जो मेरे नसीब आई हैं कोई पीटीआई में है कोई नून लीग में है कोई काफ लीग में है किसी भी जमात से तलक है किसी भी चर्च से रिलेटेड है समाजी कारकुन जो है जैसे राजा वाल्टर साहब की एफर्ट से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला तारक गौरी है वो डेली आता है उसकी वजह से वर्कर आते हैं ये सारे मिलजुल कर काम करवाते हैं यहाँ पर कोई सियासी पार्टी मतलब अपनी सियासत के लिए नहीं आ रही मुझे इस बात की खुशी है क्या आपके इंटरव्यू की वजह से जो बीमार लोग हैं हार्ट पेशेंट लोग हैं वो भी आके अब इसकी सफाई सुथरा कर रहे हैं क्योंकि हर कबर पर पाक कलाम लिखा हुआ है कल जैसे कि वो बुजुर्ग हमारे शमीम भट्टी साहब हैं उन्होंने शहादत दी चर्च में उनकी खिदमात थी जब शुरू में कब्रस्तान बना था तो वो क्राइस्ट चर्च की नुमाइंदगी करते थे हम वहां पर जाते थे और वो काम देख के जाते थे और पैसे दे के काम करवाते थे कल हमने खुद उनकी कब्र धोई है इसलिए कि वो हमारे शहीद हैं ये शहीदों का भी कब्रस्तान है और हर को, कोई ऐसी कब्र नहीं है जिसके ऊपर कलाम नहीं लिखा हुआ इसमें मैं कहता हूं कि बेशक किसी का किसी फिरके से किसी जमात से तल्लुक हो लेकिन आज शुक्र है खुदा का कि तमाम मसीही एक प्लेटफॉर्म पे हैं और कब्रस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं जी बहुत शुक्रिया सर आपका जी अभी हमारे साथ मौजूद है पीटर जॉनसन साहब जो के कोशिश वेलफेयर चेयरमैन भी हैं और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं सर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे योहानाबाद में ये जो मेन कब्रस्तान है इसकी सफाई सुथराई के बारे में जो आपके ख्याल हैं जो आप अपने लोगों को एक कोई पैगाम देना चाहते हैं वो क्या है शुक्रिया और नेशनल न्यूज का भी शुक्रिया आ, मैं जब कभी मेरा इधर गुजर होता था या कोई मैं डेड बॉडी लेके आता था तो मुझे दिली तौर पर बहुत दुख होता था कि एक एक अच्छी जगह हमारे पास है और हमने उसको बहुत जो है ना उसको अजीब तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं और अभी भी देखें बहुत से काम करने वाले और हो भी रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूं कि खास तौर पर इसलिए कि हमारे जो यूथ है हमारे जो नौजवान है उन्होंने इसका बेड़ा उठाया और आ, मेरी दुआ है कि ये आ, काम इसी तरह चलता रहे और इसी जोश और जज्बे से आ, ये काम करते रहें और जहां तक मेरा तल्लुक है कोशिश वेलफेयर फाउंडेशन से तो मेरे जिसमें जो भी ये काम लगाएंगे तो मैं 24 फोर आवर इनके लिए हाजिर हूँ थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया सर आपका जी नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं जफर गौरी साहब जो कि पहले भी हमारे साथ मौजूद थे जब पहली दफ़ा यहाँ पे हमने कब्रिस्तान का विजिट किया नेशनल न्यूज़नामा ने यहाँ पे जब विजिट किया तो जफर साहब आप उस वक्त भी मौजूद थे और आपने कहा था कि हम इस काम को जो है वो करने के लिए हर वक्त तैयार हैं तो आप क्या सोचते हैं कि नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से ये जो आवाज़ है पूरे यौहानाबाद में पहुंची और यहाँ पे जो सफाई सुथराई का जो काम है वो आप समझते हैं कि कितना जो है वो लोगों के लिए या हमारे लोगों के लिए जो है वो आगे बेनिफिशियल हो सकता है सबको सलाम मैं शुक्र करता हूँ न्यूज साहब का जिन्होंने मुझे फिर मौका दिया एक माह पहले जो इंटरव्यू चला था उसकी कोशिश से आज कब्रस्त नजर वाकई ही में सफाई हुई है बिल्कुल डॉक्टर सुधाकर साहब ने कोशिश की तार गौरी साहब ने कोशिश की उसके अलावा जितने भी भाई आए हैं ठीक उन्होंने कोशिश की राजा वाल्टन साहब ने फिर अभी ये दबा शुरू की आसफ़ भाई ने ठीक है हमारे यहाँ कब में हमारा हक हाँ है हम सफाई करें ठीक है मैं जिससे गुजार हूँ जिन्होंने काम किया और मैं तो वैसे भी चौबीस घंटे तैयार हूँ आपके साथ कदम ब कदम लाने के लिए जो मेरे जिम्मेदार काम होगा मैं जरूर आपके साथ दूंगा ठीक है शुक्रिया अभी हमारे साथ सर साथना डैनियल साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं और सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो पूरी दुनिया में एक पैगाम जा रहा है यौनाबाद के इस प्लेटफार्म से कि हमें अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अपने अजीजों की जो कब्रें हैं या जो कब्रिस्तान है उसको किस तरह से साफ रखना है किस तरह से जो है वो अपने इन जगहों को जो कि ख़ास प्लेसेस हैं उनको जो है वो उनको क्लीन रखना है तो सर आप क्या समझते हैं कि यौहनाबाद के जो रहायशी हैं या यौहनाबाद के जो लोग हैं उन्होंने इस काम को किस तौर से अपनी ज़िंदगी में लिया है ताकि कब्रिस्तान की सफाई में और इसको बेहतर बनाने में अपना रोल अदा कर सकें शुक्रिया नेशनल न्यूज जब हम यूहानाबाद को देखते हैं इतनी बड़ी मसीही आबादी है और फिर हम कब्रिस्तान की तरफ आते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है लेकिन अगर मैं एक टीचर हूँ तो अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद इसमें कोई मजायका नहीं है कि जिस तरह हमारा घर है एक घर जहाँ हम हर रोज अपनी जिंदगी गुजारते हैं एक घर ये है हमारा जहां हमने फिर अपने इंतकाल के बाद यहाँ जिंदगी गुजारनी है ठीक है तो ये बड़ा जरूरी है कि कब्रिस्तान भी जितने खूबसूरत हमारे घर हैं, उतना खूबसूरत कब्रिस्तान भी हमारा हो लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ लोगों के दिलचस्पी नहीं है लेकिन हमारे नौजवान है वाल्टर जोसेफ के जैसे राजा वाल्टर जोसेफ तो हम बुजुर्ग जो हैं उनके पीछे खड़े हैं हम उनके साथ हैं अखलाकी तौर पे भी माली तौर पे भी मॉरली भी हर तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं वो हमारे पास मेरे पास आए थे अक्सर मेरे साथ बातचीत करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तो फिर मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ और जिस तरह से वो कहते हैं उनके साथ चलते हैं कोई मशुरा मांगते हैं वो भी उनको देते हैं तो कब्रस्तान के लिए भी मैंने उससे कहा था कि आप शुरू करें हम लोग आपके साथ हैं जिस तरीके से भी जैसे भी और जहां भी हमें खड़ा होना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज बहुत शुक्रिया सर आपका जी अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं सुलेमान जोजफ साहब हम उनसे पूछेंगे कि है आप बताएं कि आप कब्रिस्तान की सफाई से अब सेटिस्फाई हैं सबसे पहले मैं शुक्र गुजार हूँ नेशनल टीवी और बाकी मेरे बड़े तमाम जितने भी सामाजिक कारकुन है यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि गलेक्सो तो थोड़ा जा खबे पास मसीहा पहचान भी है जब फोन किया तो मेरे वाले साहब की डेथ हुई आज से दो तीन माह पहले तो जैसे उनकी डेथ हुई तो डेथ के तीन दिन के बाद मुझे मेरे दो बड़े भाईओं की कॉल आई एक ने कहा अबू की राइट शाइप मेरी जगह रखनी है दूसरे लेफ्ट साइड मेरी जगह रखनी अब मैं देखूं और मैं मैं जगह कि कब्रस्त देखूंगे रखूंगा हूँ तो मैं परेशान हो गया मैं कहा यार सॉरी ये तो बहुत मुश्किल है पे। क्योंकि हैब्रस्तान का हालात ऐसा है किसी को कोई पता नहीं कहाँ पे क्या करते जा रहे हैं कब्र के ऊपर ही कब्र चल रही सिर्फ तो तरसे तरसे है सिर्फ क्यों क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं है यहाँ पे कोई कोई मैनेजमेंट नहीं चलती साथ ऊपर और इसी वजह से हम लोग सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर इसका एंड क्या होता है हमारे आपस में लड़ाई चलती है और यही सिर्फ आज बड़ा अच्छा कदम उठाया राजा वाल्टर साहब ने एजाज साहब ने और बाकी सारे सामाजिक कारकुनों ने कम से कम जो हमारी आखिरत है हम उसको संवारने की कोशिश करें बाकी सब कुछ इधर ही रहना है किसी ने साथ नहीं लेके जाना कुछ भी तो यही हमारा आखिरी घर यही है और हम सब ने कोशिश यही करनी कि इसको अच्छे से अच्छा बनाए और यहाँ पे लोग आए तो हमारी भी एक पहचान बन जाए कि कम से कम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो मरने वाली जगह है वो भी साफ़ सुथरी है मसीहों की बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सलमान भाई जी अभी शजाद गिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं शजाब भाई आप हमें बताएं कि एक माह पहले यहाँ पे इस आवाज़ को बुलंद किया गया कि कब्रिस्तान की जो है वो सफाई बड़ी ज़रूरी है आप क्या समझते हैं कि ये जो आवाज़ है हमारे तमाम लोगों तक पहुँची और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया तो आप क्या सोचते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी से अपने काम को सर अंजाम देना चाहिए इस कब्रिस्तान के लिए सबसे पहले आ, मैं सारे भाइयों का जो इधर काम करते हैं उनका शुक्रगुजार गुजार हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जो पहली दो तीन मीटिंग थी उनमें हमने सबसे पहले मीटिंग हमने स्टार्ट की थी कि हमारे कब्रिस्तान को साफ होना चाहिए क्योंकि इधर चोरी चकारी भी होती थी नशे भी थे हर गलत काम इधर होता था हर जब इधर कोई जनाजे के लिए आता था तो ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी है योनाबाद लेकिन कब्रिस्तान योनाबाद का हमारे लिए लमा फिक्रिया था सफाई का इंतजाम कोई नहीं था कोई ऐसा इंतजाम नहीं था जी जो ये इधर आता था जनाजे में तो खुश होकर जाता था लेकिन हमने दो तीन मीटिंगें की और उसके बाद ये करामत साहब है इधर इन्होंने मकान खरीदा उन्होंने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला फिर आमर जवेद काउंसलर साहब वो हमारे साथ हम सुबह साढ़े छ बजे आ जाते हैं और दस ग्यारह बजे जाते हैं तो ये अब आप अभी आप दिखाएं अपने कैमरे में ये अब इधर बैठ के सारा कब्रस्त साफ नजर आ रहा है आपको अभी दिखाएंगे साफ नजर आ रहा है सारा कब्रस्त अभी आधा बाकी है आप भाइयों की दुआओं से और इन भाइयों सारे की कोशों की वजह से से ये भी हम साफ साफ करेंगे जल्दी से जल्दी साफ करेंगे जल्दी जल्दी शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं आसफ जोजफ साहब जो कि टीचर भी हैं पेशे के एतबार से और एक डेढ़ माह पहले जब यहाँ पे प्रोग्राम कब्रस्तान के हवाले से नेशनल न्यूज़नामा ने यहाँ पे किया तो वो यहाँ पे मौजूद थे और आज फिर वो खुशी की बात है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं और आज वो आपसे अपने ख्याल का इजहार भी करेंगे कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जो सफाई का काम है वो किस तरह से लोग जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं तो ऐसा भाई आप हमें शुक्र गुजार हूँ नेशनल न्यूज नामा का जिन्होंने मुझे फिर मौका बख्शा कि मैं बात करूं आपके साथ ठीक है जी सर देखें ये नेशनल न्यूज नामा को जाता है उन्होंने यानी इस चीज को हाईलाइट किया और आज देखे हमारे सारे भाई यूथ सारी इकट्ठी है बगैर किसी पार्टियों के देखिये पार्टी पॉलिटिक्स हर बंदे का जाति फेल है ठीक है जी उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन बात यह है ये हुन्नाबाद का कब्रस्तान एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है और ये कब्रस्तान है और इसके बारे में सारे जमा हुए हैं और काम कर रहे इधर कोई सियासी बयान नहीं कोई सियासी पार्टी नहीं है किसी का यानी सियासी पार्टी का किरदार नहीं है और सबसे पहले देखे जी मैं बात करूंगा राजा वाल्टर साहब की इन्होंने एक गिफ्ट मशीन की है रात को मैं अपने हाथ से लेके आया हूँ आज काम भी करता रहा ठीक है तो जी मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा ब्राय मेहरबानी इस चीज को सियासी लेवल पे ना लिया जाए देखे यूनाबाद में हमारे पास जगह कितनी है सर कोई हमारे पास जगह नहीं है के लिए सो ब्राय मेहरबानी इसको सियासी लेवल पे ना लिया जाए और मिलके काम किया जाए बाकी राजा वाल्टर साहब अजाज भाई पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है और ये खुदाउद का शुक्र है सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदामद को है थैंक यू बहुत शुक्रिया सर भाई अभी हमारे साथ एजाज भाई मौजूद हैं एजाज भाई आप कब्रिस्तान की सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ ये सब दोस्तों का जिन्होंने ये विजन लिया और ये अपना काम शुरू करवाया बल्कि ये हमारी इज्जत है अगर ये साफ सुथरा होगा कब्रिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जनाजे पे आते हैं अगर ये साफ होगा तो हमारी इज्जत है बिल्कुल तो मैं सब दोस्तों का जितने भी आए हैं इनका मशकूर हूँ कि जो इन्होंने ये सोच रखी कि अच्छे काम की तो हम इनके साथ भरपूर हर किस्म का साथ देने के लिए तैयार हैं जी नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं योहनाबाद की जानी मानी शख्सियत राजा वाल्टर और हम उनसे भी जानेंगे कि, कि कब्रस्तान के हवाले से कब्रस्तान की जो सफाई है और इस काम के लिए ये सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान की सफाई के लिए एक मशीन खरीदी ताकि बेहतर तरीके से घास काटा जा सके और राजा भाई ख़ास करके मैं आपसे एक तो ये पूछना चाहूंगा कि कब्रिस्तान की जो सफाई है ये हर एक बंदे की जिम्मेदारी है ना कि किसी एक की तो भी कई दफ़ा हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं कई दफ़ा हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से जो है वो कासे होते हैं उसकी वजह यहाँ पे इज्तमाही तौर पर रहते हुए हम सबों का काम है जय सर मैं यही कहूंगा कि ये किसी भी एक शख्स की मलकियत नहीं है या ये किसी की जागीर नहीं है मेरा यहाँ पे माँ बाप नहीं है मेरा बहन भाई नहीं है लेकिन किसी का माँ बाप यहाँ पे होगा बिल्कुल ऐसे इस जगह पे पता नहीं कितना दुख समाया हुआ है किसी एक शख्स की की से पूरे घर पे कहराम आ गया किसी पे गजब टूट गया हो सकता है पूरे गाँव पे गजब टूट गया हो किसी का जवान बेटा फौत हो गया है किसी की बहन किसी की माँ किसी का बाप ये यहाँ पे बहुत सा दुख समाया हुआ है और इस जगह को मैं समझता हूँ कि हमारे घरों से जो ज्यादा खूबसूरत है वो कब्रस्तान नजर आना चाहिए जीते जी भी हम लोगों की अपने अजीजों की प्यारों की कदर नहीं करते हैं और मरने के बाद आप ये हालत देख ही रहे हैं दफनाने के बाद हम बरेल जमा देते हैं लेकिन आज मैं खास तौर पे ये जितने भी मोजुरी है मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी मोजुरीन है इन सब पे कैमरा दीजिएगा के मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सर का मैं खास तौर तो पर जब मैंने पहली रिक्वेस्ट की थी सोना साहब उन्होंने कहा था कि बच्चे परेशान ना हो कोई मसला नहीं है इसको दो महीने लग जाए इसको साल लग जाए हम आपके साथ हैं और जहां तक मुमकिन होगा हम इसको एक रोल मॉडल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वाकई में पता लगे कि योहानाबाद इतनी बड़ी मसीही आबादी है वहां पे एक कब्रस्तान है तो वाकई में इधर कितने भाइयों ने कहा कि ये सियासत की जगह नहीं है ये कुछ शराब का अड्डा नहीं है या यहाँ पे खड़े होके कि हम किसी को फंड की जो है ना वो आवाज नहीं दे रहे दे कि हमें पैसे दें और हम ये करें मेरे ख्याल में ये जितने हम दोस्त खड़े हैं इनमें से सिर्फ चार पांच एक साइड पे कर दें ये देखें जनाब शीशा हो जाएगा ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੇ ਜਨਾਬ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੋਲਣੇ ਫਲਾ ਕੋ ਬੋਲਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੱਬਣਾ ਦੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੋ ਖੁਦਾਬ ਸਭ ਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲਸਲਾ ਕਰੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਛੱਡ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰ ਆਮਾਂ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਕਾ ਨੂੰ

ये पैगाम जो नेशनल न्यूजनामा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा और बहुत सारी ऐसी छोटी मसीही बस्तियां भी जो कि यहानाबाद को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं वो भी अपने अपने कब्रस्तानों में इसी तरह से सफाई सुथराई के काम को सर अंजाम देने के लिए जो है वो उठ खड़े होंगे और खास करके अपने अजीजों की कब्रों से धूल मिट्टी अपने अजीजों की कब्रों से घास अपने अजीजों की कब्रों से जो दरख्त हैं जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वो उतारने के लिए तैयार हो सकेंगे अब मुझे और मेरे कैमरा मैन तारक प्यारा को दीजिए इजाजत खुदा हाफिज़